गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्पीकिंग में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन हिंदी में होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ई है, ए है आदि। ये रही आपकी हिंदी इंट्रोडक्शन। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है इसकी पहचान। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव आप लोग इतना पता हो गया है सिंगुलर के लिए, है प्लूरल के लिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बी थर्ड ऑब्जेक्ट। राहुल बाजार गया है तो राहुल हैज गॉन टू मार्केट। निगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब जो एक्सिलरी वर्ब है हैज या हैव, उसको वाक्य प्रारंभ में रखते हैं। सब्जेक्ट पर भी थर्ड ऑब्जेक्ट, ये तो पता ही हो गया होगा। एग्जांपल देख लें, क्या वह खाना पका चुकी है, तो ये हो जाएगा हैज सी कुक्ड फूड। निगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। एक डबल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में हु देख लें, अगर हु प्लस हैज वी थर्ड ऑब्जेक्ट, फूल किसने तोड़ा है, तो हु हैज प्लक्ड फ्लावर, ये हो जाएगा आपका। निगेटिव बनाएंगे हैज के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, नोट करना चाहें तो नोट कर लें। निगेटिव में व्हाट और हुम को देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट होता नहीं है। वह क्या खरीद चुका है, ये हो जाएगा व्हाट हैज ही बॉट। हुम का देख लें, तुम किसे पीट चुके हो, ये हो जाएगा हुम हैड यू हैज यू आई एम सॉरी हैव यू हैव यू हैव यू बीटेन। निगेटिव बनाएंगे हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे। वाई वेन वेयर हाउ प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट वी थर्ड ऑब्जेक्ट। मैंने बताया ऑब्जेक्ट का होना ना होना डिपेंड करता है वर्ब पर। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब इनट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा।
तुम स्कूल क्यों गए हो? व्हाई हैव यू गॉन टू स्कूल? निगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। राधा ने फूल कब तोड़ा है? तो ये हो जाएगा व्हेन हैज राधा प्लग्ड फ्लावर। निगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तुम्हारा भाई कहाँ गया है? तो वेयर हैज योर ब्रदर गॉन? तुमने उसे कैसे पीटा है? तो हाउ हैज यू हैव यू हैव यू बीटन हिम? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव बन सॉरी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नोट कर ले। विच हुज हाउ मच हाउ मेनी ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड क्वेश्चन मार्क। राजू ने कौन सा फल खाया है? ये हो जाएगा विच फ्रूट हैज राजू ईटन? तुमने किसकी पुस्तक चुराई है? ये हो जाएगा हूज बुक हैज यू स्टोलेन? बच्चे ने कितना दूध पिया है? तो हाउ मच मिल्क है चाइल्ड ड्रंक? उसने कितनी फिल्में देखी हैं? तो हाउ मेनी मूवीज हैज ही वॉच्ड? निगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। नोट कर ले, फिर और चीज़ें देखते हैं। यूज ऑफ इट इन स्पीकिंग, इसका स्पीकिंग में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है ये चीज़ें देख लेते हैं। यदि वाक्य में बिफोर, ट्वाइस, बिफोर ट्वाइस, थ्राइस, बिफोर ट्वाइस थ्राइस, बिफोर ट्वाइस थ्राइस या सेवरल टाइम,
ये सब आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगा वह पहले ही खा चुका है, तो ये हो जाएगा ही हैज ईटन बिफोर। ठीक है, यदि वाक्य में रिसेंटली प्रेजेंटली यदि वाक्य में रिसेंटली प्रेजेंटली जस्ट नाउ सो फार आदि का प्रयोग हो तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा भाई अभी हाल ही में कानपुर से आया है, तो ये हो जाएगा माई ब्रदर हैज कम फ्रॉम कानपुर रिसेंटली। ये हो जाएगा, नोट कर ले और चीजें देख लेते। अब देखते हैं जो कार्य पहले हो रहा था लेकिन अब भी चल रहा हो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं उसे कई सालों से जानता हूँ, जान चुका हूँ या जानता हूँ। तो ये होगा आई हैव known to him for several years। अगर कोई कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया है और उसका प्रभाव अभी भी है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे रात में वर्षा हो चुकी है, तो ये हो जाएगा इट हैज रेन इन द नाइट। क्लियर, तो ये रहा हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा फॉर्मेट देखा। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्पीकिंग में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है वो सब चीज़ें हमने देखी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।